हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने लिए MI A3 खरीदा है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये अनबॉक्सिंग थोड़ी लेट है, बट मैं ये अपने कोशिश के लिए कर रहा हूँ कि कभी ना कभी मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग तो करूँगा। तो ये एक पहले ट्राई है और मैंने अपने चैनल पर कभी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, तो आई होप आपको ये कोशिश पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं MI A3 से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट में बताइए, मैं उन सभी टॉपिक्स पे वीडियो भी बनाऊंगा। और मैंने MI A3 क्यों ख़रीदा, मेरे क्या रिक्वायरमेंट्स थी और किस प्राइस रेंज पे मुझे ये MI A3 मिला है, इन सभी टॉपिक्स पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो की तरफ। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है न्यूटेक SK, मेरा नाम है अमुक। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अनबॉक्सिंग ऑफ MI A3। अनबॉक्सिंग की तरफ और बॉक्स में हम देख लेते हैं क्या क्या है लिखा हुआ। इस साइड है MI A3 एंड्रॉइड 1 के साथ और यहाँ भी सेम चीज़ ही लिखी हुई है। बॉक्स के पीछे हम देख लेते हैं क्या क्या है मेंशन। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएंट मंगाया है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ, मोर देन वाइट कलर में। इसके अलावा बॉक्स के पीछे कुछ हाईलाइट मेंशन है, जैसे कि 48 MP का मेन कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस मेंशन है बॉक्स में वो है 14999, बट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मुझे ये किस प्राइस रेंज में मिला है। तो चलिए अब बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पहला केसिंग है और मैं इस केसिंग को खोल लेता हूँ। आई गेस इसमें कवर है और इस कवर में आप देख सकते हो कुछ पेपर वर्क्स भी हैं जो कि इसके यूज़र मैनुअल हैं और कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टून मिल जाता है और ये जो आपको केस है वो नॉर्मल सिलिकन वाला केस है जो अदर फोन्स में आपको देखने को मिलता है, जो टाइम के साथ ही पीला हो जाता है। अब आप अपने मेन हाईलाइट जो कि यहाँ पे फ़ोन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये रहा हमारा MI A3 फ़ोन, देखते हैं इसमें बैटरी है या नहीं, ये ऑन होता है या नहीं। तो यस, ये ऑन हो गया है। और जब तक ये बूटअप हो रहा है हम देख लेते हैं हमें बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बॉक्स के अंदर सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक डेटा केबल जो चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होगा, ये टाइप सी केबल है। और यहाँ पे हमें चार्जर मिल जाता है, तो चार्जर देखते हैं कितने वाट का है। ये 10 वाट का MI का चार्जर है, बट MI A3 18 वाट तक सपोर्ट करता है मैं बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं बॉक्स के अंदर। अब हमारा जो मेन हाईलाइट है वो है फ़ोन, अब उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं फ़ोन के क्या स्पेक्स हैं और कैसी इसकी क्वालिटी है। तो यहाँ पे जो फ़ोन की मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा। तो यहाँ पे आपको 48 MP का सोनी IMX486 का सेंसर वाला कैमरा मिल जाता है और इसके साथ ही साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का कैमरा मिलता है आपको नीचे डेप्थ सेंसिंग के लिए। और सेल्फी के लिए आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि बहुत अच्छी सेल्फी लेता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 655। इसके अलावा अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉलिड है। आपको फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि स्क्रैचेस काफ़ी कम लगेंगे फ्रंट और बैक दोनों में। फ़ोन के नीचे आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है और स्पीकर ग्रिल्स मिल जाती हैं। स्पीकर बहुत ज़्यादा लाउड है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ फ़ोन के राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स की और पावर बटन की भी मिल जाएंगी। इसके अलावा फ़ोन के टॉप पे आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा और IR ब्लास्टर, तो MI की पहचान हो गई है तो उसके हर फ़ोन में IR ब्लास्टर तो होता ही है, तो इसमें भी IR ब्लास्टर है। एक बात है, इसमें 720 का सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि काफ़ी ब्राइट है। मैंने इसमें धूप में भी ट्राई किया और काफ़ी ज़्यादा ये नेचुरल लुकिंग कलर देता है। कलर थोड़े पंची हैं बट काफ़ी अच्छा कलर है। अगर आपने कभी सुपर AMOLED डिस्प्ले ट्राई नहीं किया है तो आपको ये डिस्प्ले ज़रूर पसंद आएगा। 720 है इसका ड्रॉबैक है, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यह डिस्प्ले है। और 720p डिस्प्ले होने के कारण इसकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी अच्छी टिकती है। 4030 mAh की बैटरी है और ऑलमोस्ट वो मेरे यूजर्स के हिसाब से 1.5 दिन तक चली जाती है। और जो भी बाकी के स्पेसिफिकेशंस हैं मैं यहाँ CPU Z इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए।
तो अब बात आती है कि मैंने इस फ़ोन को क्यों ख़रीदा। तो यहाँ पे मेरे जो स्पेसिफिकेशंस थे कि मैं YouTube के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए, तो यस इसमें अच्छा कैमरा वाला फ़ोन है ये। नेक्स्ट मेरी ये रिक्वायरमेंट्स थी कि फ़ोन ज़्यादा ब्लोटवेयर और ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं हो क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता नहीं हूँ, और बैटरी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मुझे चार्ज में बार बार फ़ोन लगाने की आदत है नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम की है, और मैं ज़्यादा फिल्में या वीडियोस नहीं देखता तो मुझे 1080p डिस्प्ले की वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं, और मैं गेम वेम तो खेलता नहीं तो मुझे हल्के फुल्के प्रोसेसर से भी काम चल जाएगा। इसके अलावा मुझे लेटेस्ट एक फ़ोन चाहिए था जिसमें लेटेस्ट सारे फीचर हो, जैसे कि अभी 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और वो मेरे बजट में भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल लगा मेरे यूजेस के हिसाब से। तो आप जब भी फ़ोन लें तो आप अपनी यूजेस देख लो, उसके हिसाब से आप अपने फ़ोन के स्पेक्स डिसाइड कर लो, और फिर मार्केट या फिर ऑनलाइन जाओ, आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है आप देख लो। तो यहाँ पे जो प्राइस मैंने पे की इस फ़ोन के लिए, वो मैंने दिवाली ऑफ़र पे मंगाया था, आपको मैं यहाँ पे प्राइसिंग दिखा रहा हूँ। मुझे लगभग डिस्काउंट मिल गया और 12,080 rupees तक का मुझे ये फ़ोन पड़ा, और मैं अगर थोड़ी पहले और ऑर्डर करता तो मे बी मुझे 100 or 200 rupees का और डिस्काउंट मिल जाता, बट कोई बात नहीं, प्राइसिंग मुझे अच्छी मिली है और फ़ोन भी काफ़ी कमाल है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग, आई होप आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और MI A3 से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा MI A3 में GCam कैसे इंस्टॉल करें, इसकी कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है, और इसकी कैमरा कंपैरिजन में अदर फोन्स के साथ भी करूंगा जो इसी प्राइस रेंज में आती है। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।